हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे नए चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में, और ये जो है 3 फेज 15 के लिए ऑयल कूल पैक सर्वो टायर होने जा रहा है। जो अभी नीचे आएगा टेस्टिंग के लिए, एक एक फेज का बारीकी से टेस्टिंग होगा। टायर का प्रोसेस आप खुद देख लीजिए। टेस्टिंग के टाइम बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि फाइनल टेस्टिंग है। और एक भी आगे 20 के लिए एयर कूल का एक सर्वो तैयार होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अभी टेस्टिंग चल रहा है, जो आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूं कि एक फेज जो है उसका इनपुट का वैल्यू है 130 से लेकर 280 तक, और आउटपुट का वैल्यू 230 ही रहेगा। मतलब आपका जो भी कभी आपके वोल्टेज डाउन हो जाएगा, 130 तक डाउन हो जाएगा, तो वो 230 ही देगा। अगर आपका वोल्टेज हाई हो जाएगा तो मान के चलिए 280 तक आपको वोल्टेज हाई मिलेगा। तो सर्वो लगाने से वो घटा कर उसको 230 ही देगा। तो इसी का काम सर्वो करता है। ये देख सकते हैं फ्रेम रेडी है और कॉइल भी रेडी है 20 के भी एयर कूल के लिए। वो काम भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उससे ज़्यादा सेफ्टी डिवाइस लगने वाला है। तो चलिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो डालेंगे हम सर्वो के बारे में। तो देख सकते हैं पूरा 3 फेज का टेस्टिंग हो गया है, और इसमें टंकी में डालकर कार्ड लगा कर रहे हैं, और इसके पीछे 2 कनेक्टर लगा हुआ है जो इनपुट का आउटपुट का। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। ये देखिए फ्रेम कॉइल सब फिटिंग हो गया है 20 के वी सर्वो के लिए। अभी उसका पूरा काम होते ही मैं आपको बताता हूँ क्या क्या उसमें लगा हुआ है। तो चलिए आगे तक ये देखिए, ये इस तरह आ गया। इसमें अभी ऑयल जहाँ पे इंस्टॉल होगा वहाँ ऑयल डलेगा। तो ये हो गया ऑयल कूल का सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये आ गया देखिए, यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगा हुआ है हाई और लो कटअप के लिए कंटेक्टर लगा हुआ है, और एक चेंजओवर भी लगा हुआ है। अगर इनकेस आपके सर्वो का कुछ फॉल्ट निकलता है तो उसे बाईपास कर सकते हैं। और 3 फेज के लिए 3 MCV भी दिया हुआ है, जो एक एक फेज का एक एक MCV है। और ख़ास बात यह है कि इसमें टाइम डिले भी दिया हुआ है, और हाई और लो कटअप भी दिया हुआ है। और सिंगल फेज अगर आपका कहीं कट जाता है तो आउटपुट 3 फेज का बंद हो जाएगा। हाई कटअप 260 के ऊपर जाएगा तो आपको आउटपुट बंद कर देगा। लो कटअप यानी 200 से नीचे आएगा तो आपको आउटपुट बंद कर देगा। और 10 सेकंड टाइम डिले इसमें दिया हुआ है, जो ऑन करते ही 10 सेकंड के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये था पूरा सिस्टम, देख सकते हैं। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।